अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं निमराज फूड डिस्कवरीज और मैं लेके आती हूँ हर रोज़ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़। तो इसी तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पैटीज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और इसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन के तैयार होंगी, तो रेसिपी को आपने मिस नहीं करना। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे और मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है 2 कप मैदा। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके अंदर अब हमने घी ऐड कर देना है, तो यहाँ पे मैंने घी को अभी मेल्ट नहीं किया, इसी तरह से ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 बड़े चम्मच घी ऐड किए इसके अंदर और इसे इस तरह से हमने अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेना, यानी कि इसके क्रम्स बना लेने कुछ इस तरह से। अब हम डो को गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमने नॉर्मल पानी ऐड कर देना, ये गर्म नहीं है, नॉर्मल जो टाइप का पानी होता है मैंने वो यूज़ किया। घी ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो हमारी ये पैटीज बने ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने, तो इसी वजह से हमने इसके अंदर घी, अगर आपके पास बटर है तो बटर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल सॉफ्ट डो जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए मैं आपको इस तरह से फिंगर की मदद से चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पे। दूसरी तरफ हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने पैन में ऐड कर लेना है ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसे स्लाइसेस में कट कर लिया। इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सोते करना है। फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अब हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने ना चिकन ऐड किया है, चिकन को मैंने उबाल के इस तरह से श्रेड कर लिया था। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन सीड यानी कि ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और टोमेटो केचप ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून। बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी जो हमारी फिलिंग है वो रेडी होने वाली है। तो अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इन्हें मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हमने इसके अंदर इसको क्रीमी बनाने के लिए मायोनीज ऐड कर देनी है 2 से 3 टेबलस्पून और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब मैंने बंद कर दिया। फिलिंग हमारी बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम फिलिंग को निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ अब हमने जो डो के ऊपर लगाना है ना घी, वो रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने घी लिया जिसे मैंने मेल्ट कर लिया। 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर मैदा ऐड कर देना और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ना बने। देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अब हम काउंटर पर डस्ट करेंगे मैदा और जो हमने अपनी डो रखी हुई थी वो इस तरह से रख के तो इसको हम बेल लेंगे। आप डो को देखिए किस तरह से मैंने सॉफ्ट सी डो तैयार की है। अगर हमने समोसे वगैरह बनाने होते हैं ना जो बाहर की तरह बनाते हैं तो फिर हम जो अपनी डो होती है ना वो हार्ड रखते हैं। आज हमने बनानी है पैटीज, तो इसकी वजह से देखिए मैंने डो को बिल्कुल सॉफ्ट रखा था और इसे इतना लंबा मैंने बेल लिया था कि मुझे कैमरा इस तरह से आपको घुमा के दिखाना पड़ा। अब हमने इसके ऊपर जो हमने अपना मिक्सचर रेडी किया हुआ है वो ऐड कर देना, यानी कि घी और मैदा जो हमने मिक्स किया हुआ था। इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अब चारों तरफ से हमने इसे अच्छी तरह से घी की मदद से घी को लगा लेना। तो अब नाइफ की मदद से इस तरह से हम कट लगा लेंगे। तो तकरीबन इस पे मैं 4 कट लगा लूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कट लगा लिए। अब हम इन्हें फोल्ड करते जाएंगे। तो जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ आप उसी तरह से फोल्ड करते जाइएगा। इस तरह से क्या होंगी इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगी और बहुत ही क्रिस्पी जो हमारी पैटीज है वो बन के रेडी होंगी। तो देखिए कि मैंने कितने बड़ा करके इस तरह से बोल रेडी कर लिया एक।
और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको कितना बारीक बेला था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी जो लेयर्स हैं हमें नज़र आ रही हैं। मैं दूसरी साइड से भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो दोनों तरफ से हमारी लेयर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं हमें। अब हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख देना साइड पे। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। काउंटर पे डस्ट करेंगे मैदा, और जो देखें हमने अपनी रेडी की हुई है ना डो बेल के, उसे दोबारा से हमने बेल लेना है। और इस बार हमने इसको थिक ही रखना है, ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं कर देना। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम इसको बेलेंगे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं निमराज फूड डिस्कवरीज के नाम से। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाजमी मुझे कमेंट में बताया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो देखिए अब हमने इसको थिक रख लिया है, जिस हिसाब से मैंने रखा है मैं आपको भी इसको दिखाती हूँ। अब हम इसको ना नाइफ़ की मदद से कट लगा लेंगे। तो तकरीबन हमारी 9 इसमें इसके अंदर पैटीज बन के रेडी हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा मोटा ही रखा है, आपको इसकी लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे रखेंगे। अब हमने पिज़्ज़ा पैन ले लिया, तो इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था, और जो हमने अपनी बेल ली हुई है ना डो वो इस तरह से रखेंगे और फिलिंग अंदर ऐड कर देंगे। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल परफेक्ट ऐड की है। और दूसरी तरफ से इस तरह से इसे बंद कर देंगे। तो देखिए कितने प्यारी इस पर शेप आ गई है। बाकी सबको भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी, बहुत ही आसानी से इस तरह से ये रेडी हो जाएंगी। तो देखिए बाकी सबको भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे येलो फूड कलर। तो मैंने इसके 1 टीस्पून येलो फूड कलर लिया, उसके अंदर पानी ऐड किया और इसे मिक्स करके इसके ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा ऊपर से। तो अब मैंने इसके ऊपर वाइट तिल ऐड किए हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार भी लगते हैं, इसी वजह से मैंने ऐड कर लिए। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त, अभी से मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी हम इसे बेक करेंगे। तो चलिए इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। तो मैंने पतीले में इस तरह से स्टैंड रख लिया और जो हमने अपनी रेडी की हुई है पैटीज़ वो इसके अंदर रख देंगे। और इसको हमने कवर करके रख देना है, तकरीबन 20 से 30 मिनट लग सकते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट लगे हैं, और ढक्कन उठा के चेक करते हैं। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये रेडी हो चुकी हैं, आपको इसकी लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी वाजिया। तो अभी ये गर्म है, ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगी है। देखें दोनों साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की रेडी हुई है। ये देखें पीछे से भी कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही इजी तरीके से और विदाउट ओवन मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पैटीज़ की रेसिपी बताई है। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इस फॉलो करेंगे रेसिपी को, तो आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से बनके तैयार होगी। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से कितनी ज़बरदस्त है। तो देखा व्यूवर्स आपने हमारी कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी चिकन पैटीज़ रेडी हो चुकी हैं। आप भी इसी तरह से बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।